गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक आज लेके आया हूँ, जिसके अंदर कंपैरिजन किया जाएगा कि ब्रीडर्स नॉर्मली डॉग इंपोर्ट क्यों करते हैं, इंडिया के अंदर जनरली डॉग इंपोर्ट क्यों किए जाते हैं, और जब भी कोई न्यू बायर पपीज़ ख़रीदने जाता है तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता है कि जब उसे मालूम चलता है कि उसके पपीज़ इम्पोर्ट के बच्चे हैं। हाय, मेरा नाम है परवेज और हम अपने इस चैनल जिसका नाम है ड्यूरेबल कैनल आज डिस्कस करेंगे कि BI डॉग अच्छे होते हैं या इम्पोर्ट लाइन्स, और इसको किस तरह से इंडिया में यूज़ किया जाता है। देखिए, एज ए बिल्कुल न्यू ओनर अगर मैं आप कोई पपी लेना चाहता हूँ तो मैं कॉल करता हूँ ऐसे नंबर्स पे जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, किसी ऐड में अवेलेबल होते हैं, फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं, किसी सोशल नेटवर्क साइट पे अवेलेबल होते हैं, ऐसे नंबर्स पे मैं कॉल करता हूँ। जब मैं पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मुझे इस ब्रीड का, फॉर एग्जांपल मुझे जर्मन शेपर्ड का एक पपी चाहिए, तो वहाँ से जवाब आता है कि सर आपको किस टाइप के पपी चाहिए, आपको शो लाइन पपीज़ चाहिए, आपको गुड पपीज़ चाहिए, आपको इम्पोर्ट लाइन पपीज़ चाहिए। तो जो न्यू ओनर्स होते हैं उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये इम्पोर्ट लाइन का क्या मतलब है, तो सामने से जवाब आता है कि सर जो पपी है उसका फादर जो है वो जर्मनी से इम्पोर्टेड है। ये सुनते ही जो न्यू ओनर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उनके दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो इम्पोर्ट लाइन ही चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इम्पोर्ट लाइन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी पपी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। ऐसा क्यों है उसको मैं बाद में क्लियर करूंगा। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे BI डॉग्स, BI लाइंस बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छी लाइन है, अच्छी ब्रीडिंग हो रही है, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन एक दुनिया के अंदर डॉग वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा बड़ा सा सगुफा बनाया गया है जिसके अंदर इम्पोर्ट लाइन का ठप्पा लगा के पपीज़ को आसानी से बेच दिया जाता है। होता यह है कि ज़्यादातर जो डॉग इम्पोर्ट होते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल्स बहुत कम इम्पोर्ट होती हैं। अगर 100 डॉग्स इम्पोर्ट किए जाते हैं तो मुश्किल से 30-40% ही फीमेल्स इम्पोर्ट की जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि डॉग्स को इम्पोर्ट करके उनको शो किया जाता है और उसके बाद एज ए स्टड यूज़ किया जाता है। इनकी स्टड सर्विस से आप बहुत सारी फीमेल से इम्पोर्ट लाइन के पपीज़ ले सकते हैं। फीमेल इम्पोर्ट कराने के बाद में एक फीमेल एक ही बार में एक ही लीटर देती है, लेकिन एक सीज़न के अंदर मेल बहुत सारी फीमेल्स को कंसीव करा सकते हैं, उनको उनसे पपीज़ ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता है। इसलिए ब्रीडर्स क्या करते हैं, ब्रीडर्स इम्पोर्ट करते हैं मेल्स और उनको अवेलेबल फीमेल्स के साथ में मेटिंग कराते हैं, और इम्पोर्ट का ठप्पा लगने के बाद में ये फीमेल्स पपीज़ जो देती हैं उनको सेल किया जाता है। अगर नॉर्मली फीमेल किसी BI डॉग से मेट हुई है, अगर फॉर एग्जांपल उसका प्राइस 30,000 है, तो इम्पोर्ट का ठप्पा लगते ही वो 40-50,000 पहुंच जाता है। लेकिन क्वालिटी का क्या? देखिए, क्वालिटी डिपेंड करती है दोनों पेरेंट्स के ऊपर। अगर मैं रेटिंग दूं 10 में से, अगर 10 में से रेटिंग इम्पोर्ट मेल की 8 है और फीमेल की 4 है, तो 8 और 4 के बीच में बहुत बड़ा क्वालिटी गैप होता है। इसमें जो पपीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 4 से 8 तक कहीं पर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इम्पोर्ट मेल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है लाइन सुधारने में। बहुत सारे इम्पोर्ट मेल नॉर्मल फीमेल्स के साथ में बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पपीज़ आते हैं उनका जेनेटिकल बैकग्राउंड मदर और फादर दोनों से बनता है। दिखने में और अंदर से जेनेटिकली भी उतना ही अच्छा होने में बहुत फ़र्क होता है। जो पपी प्रोड्यूस होते हैं उसमें से कुछ पपीज़ फेनोटाइप मतलब फिजिकली देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो आगे चल के हो सकता है इन्फीरियर क्वालिटी के पपीज़ प्रोड्यूस करें, क्योंकि उनके पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स की क्वालिटी जो थी वो काफ़ी कम थी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप पपीज़ खरीदें तो आप इस झांसे में ना आएँ कि ये इम्पोर्ट के पपीज़ हैं। आप कोशिश करें कि पेरेंट्स को देखें, अगर वो इम्पोर्ट के पपीज़ नहीं भी हैं तो पेरेंट्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और अच्छी क्वालिटी के पेरेंट्स का मतलब है कि एक सेंसिबल ब्रीडर जो काफ़ी सालों से ब्रीडिंग कर रहा है, जिसे अपनी ब्रीडिंग पे भरोसा है, उस ब्रीडर से आप लीजिए, ना कि उन लोगों से जो लोग इसको एक बहुत बड़ा एक
डॉग गेम बना के और उसको बहुत बड़ा गुब्बारा सा बना के उसको मतलब हवा में उड़ाते रहते हैं कि हमारे पास इम्पोर्ट डॉग्स हैं, इम्पोर्ट डॉग्स हैं। इम्पोर्ट डॉग्स और ये सारे शगुफों के बीच में मैं काफ़ी सालों से हूँ, मैं 20-25 साल से हूँ इसमें, और मुझे इसकी कहानी पता है। इसके पीछे कुछ भी नहीं होता, इसके पीछे सिर्फ एक तरीके से मतलब एक हवा भरी जाती है ताकि आपको ऐसा लगे कि बहुत सुंदर पपीज आने वाले हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बहुत सारे इम्पोर्ट मेल ऐसे भी होते हैं कि जिनके एक भी पपी शो में शो नहीं हो पाता, बहुत सारे हैं। कौन से पपी शो होते हैं जिनकी फीमेल्स भी स्ट्रांग होती हैं, जो फीमेल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं उन फीमेल्स के ऊपर जब बहुत अच्छी लाइन के डॉग यूज़ किए जाते हैं वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पपीज़ लें, पपीज़ में आप फीमेल को देखें, फीमेल सबसे मेन है। जो ब्रीडर्स होते हैं वो हमेशा अच्छी फीमेल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी फीमेल्स को देखकर ही पपीज़ लेते हैं। लेकिन जो ओनर्स, न्यू ओनर्स होते हैं, जो न्यू ब्रीडर्स होते हैं, वो हमेशा मेल डॉग को देखकर पिक्चर पपीज़ लेते हैं, जिसका फ़ायदा उनको लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाता। डॉग ब्रीडिंग के अंदर एक टर्म है जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। फेनोटाइप वो एनिमल्स होते हैं जिनका फिजिकली वो देखने में एक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं लेकिन जेनेटिकली भी उतने ही अच्छे हैं, उसका कोई श्योरिटी नहीं होती। फेनोटाइप और जेनोटाइप सिमिलर तब हो जाते हैं जब ये बहुत लंबे टाइम तक आप सिमिलर लाइंस को आप यूज़ करें और पपीज़ भी एक पर्टिकुलर नैरो स्ट्रीम में प्रोड्यूस किए जाएं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा वेरी ना करें, तब जेनोटाइप और फेनोटाइप दोनों टाइप उस डॉग के अंदर सिमिलर होता है। वरना क्या होता है, आपने सुना भी होगा, अरे वो फीमेल अच्छी नहीं है, वो मेल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसका एक पपी बहुत सुंदर आया, पपी बहुत सुंदर आया, वो एक प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर एक फेनोटाइप पपी का एक फेनोटाइप ऐसा प्रोड्यूस किया गया जो देखने में बाहर से बहुत सुंदर है लेकिन अंदर अगर उसके जाएंगे, जेनेटिकली जाएंगे, तो क्वालिटी तो उसकी अपनी पेरेंट्स और फोरफादर की ही आई है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो भी खरीदें वो इम्पोर्ट का नाम सुन के ना खरीदें। आप हमेशा ध्यान रखें कि क्वालिटी जो होती है वो पेरेंट्स से आती है। पेरेंट्स की क्वालिटी अच्छी है अगर पपी बहुत सुंदर नहीं भी है लेकिन जेनेटिकली वो पीछे से जेनोटाइप वो बहुत स्ट्रांग है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेगा। आजकल के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग फ़ौरन रिजल्ट चाहते हैं। इस तरह के क्विक एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें लोगों को बेमायनी लग सकती हैं, लेकिन जो ब्रीडर्स होते हैं, जो असली में जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। अगर दो नॉर्मल पेरेंट्स से एक बहुत सुंदर पपी प्रोड्यूस हुआ है और दो सुंदर पेरेंट्स से एक नॉर्मल पपी प्रोड्यूस हुआ है, तो हमेशा एक नॉर्मल पपी जो दोनों सुंदर पेरेंट्स से प्रोड्यूस हुआ है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के पेरेंट्स है, उसको ले लीजिए। पपी बहुत सुंदर ना होने के बावजूद भी उसका जेनेटिक्स इतना स्ट्रांग होगा कि आगे चल के वो बहुत अच्छा लाइन प्रोड्यूस करेगा और बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा। इंडिया के अंदर इतने सारे डॉग्स इंपोर्ट होते हैं लेकिन फिर भी इंपोर्ट आना बंद नहीं होते। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर इंपोर्ट इसलिए किए जाते हैं कि लोग दूसरों की ब्रीडिंग को यूज करके उनके नाम को प्रमोट नहीं करना चाहते, वो अपनी ही लाइन को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे कंट्री से डॉग लेके आते हैं जहां का लिंक हमारे यहां से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन शेपर्ड से बहुत सारे लोग जर्मनी से डॉग ले आते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को जर्मनी के एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, किस डॉग की क्या क्वालिटी है, किस तरह के प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा जो नॉलेज स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है जब डॉग यहाँ पे आ जाता है। हमारा दिमाग ऐसा बन गया है कि जैसे ही हमसे कोई कहता है कि BI डॉग है, हम पूछते हैं BI डॉग है तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है। जब हमारे यहाँ पे इतने सारे इम्पोर्ट डॉग्स आ चुके हैं और हमारी क्वालिटी और उनके पपीज़ की क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो हम उनको यूज़ करके क्यों नहीं पपीज़ प्रोड्यूस करते? करते हैं। बहुत सारे मीडियम क्वालिटी, मतलब मीडियम साइज़ के ब्रीडर्स जो हैं वो यही काम करते हैं। वो अच्छी क्वालिटी के पपीज़ को चूज़ करते हैं, उनको आपस में ब्रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छे पपी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा नाम इसलिए नहीं होता कि हमने अपनी सोसाइटी के अंदर इम्पोर्ट डॉग्स को बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है। इम्पोर्ट डॉग्स को वैल्यू देने की वजह से जो मीडियम क्वालिटी, मतलब मीडियम साइज़ के जो ब्रीडर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, उनके पपीज़ का सही प्राइस नहीं मिल पाता।
क्योंकि जब बायर्स को मालूम चलता है कि दोनों साइड से BI यानी ब्रेड इन इंडिया पेरेंट्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे देने को तैयार नहीं होते। बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि BI डॉग्स बहुत अच्छे इम्पोर्ट मेल्स को बीट करते हैं, तब जाके लोगों की आंखें खुलती हैं, तब जाके वो लोग उनको वैल्यू करते हैं। अगर इंडिया के बहुत सारे BI डॉग्स को बाहर शो किया जाए तो वो आसानी से बहुत सारे इम्पोर्ट्स को बीट करेंगे। बाहर से जब कोई भी डॉग इम्पोर्ट होता है, उसकी क्वालिटी कुछ भी हो, इंडिया में आके वो इम्पोर्ट कहलाता है और उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है, ये आउट क्लास है, मतलब इसका कोई क्लास ही नहीं है, मतलब ये सारे BI डॉग से सबसे ऊपर है, ऐसा नहीं है। हमारी इसी मेंटेलिटी की वजह से बहुत सारे ब्रीडर्स लगातार इम्पोर्ट करते हैं और हम लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप जो ब्रीडिंग कर रहे हो वो गलत है, इम्पोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी ब्रीडिंग पे भरोसा है तो आपके पास में अवेलेबल स्टॉक के अंदर आप ब्रीडिंग करेंगे और उससे ही अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करके आप उसको शो करेंगे। मैं अपना तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन मैंने ये किया है और मैंने बहुत सारे इम्पोर्ट डॉग्स को अपने मेल से भी बीट किया है और अपनी फीमेल से भी बीट किया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर फ्यूचर को मतलब देखने की आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि भाई मैं इस लेवल पे इस चीज़ को यूज़ करके पहुंचना चाहता हूं या पहुंच सकता हूं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप ये कर पाएंगे, वरना ये होगा कि आप लोगों की बातों के अंदर आके वही खरीद बैठेंगे जो दूसरे खरीदते हैं। तो मैं इस बात को मैं आपको समझा दूं कि जब भी आप कभी इम्पोर्ट और BI की बात आए तो हमेशा क्वालिटी को देखिए। इम्पोर्ट और BI एक आई वॉश है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्ट डॉग करना इंडिया में गलत है, इम्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सेंसिबल ब्रीडिंग होनी चाहिए। इम्पोर्ट्स को जिस फीमेल्स के साथ में मेट किया जाता है उसकी क्वालिटी भी इम्पोर्ट के एटपार होनी चाहिए, तब जाके क्वालिटी पपीज प्रोड्यूस होते हैं। बहुत लोअर क्वालिटी की फीमेल्स के साथ में अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर सकते पपीज आप। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो लोग पपीज खरीदना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान दें, इम्पोर्ट के झांसे में ना आए, हमेशा पेरेंट्स को देखें और तब जाके पपीज खरीदें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।